ये टीका देख के समझ गए होगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट व्लॉग आपने देखा ही होगा। अभी जस्ट मैं आया नाश्ता वास्ता करके, अभी जस्ट नहाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, अभी मैं लॉक ऑफ में जा रहा हूँ। थिंक डे 6 है लॉक ऑफ का, तो कपड़ा वपड़ा कहाँ धोता हूँ तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ जो भी होगा इस लॉक ऑफ का पूरा व्यू मैं आपको टूर कराऊँगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हाँ होली आने वाली है, सो होली का क्या क्या प्लानिंग है कमेंट करके तो बताओगे तो हो नहीं चलो कोई नहीं, हमारी होली का प्लानिंग तो कुछ देखते हैं क्या है, ठीक है। हाँ और जस्ट नहा धो के रेडी हो गया, लुक कैसे लग रहा हूँ, इस बार मैंने ये डिज़ाइन बनाया है ना। सुरेश गया ऑफिस के बाहर एज यूजुअल काम में, मैं अभी अपने लॉकअप में एडिट करूँगा एंड होप ब्लॉग ब्लॉग कुछ अच्छे लग रहे होंगे आपको एंड इट्स डे 6 ऑफ माय लॉकअप, सो देखते हैं जो होता है आपको बताता हूँ, ठीक है। नाश्ता वास्ता कर लिया मैंने सुबह ही, जो चाय दिखाई थी मैंने नाश्ता करके चाय पी लिया, बस अभी एडिट पर बैठूँगा, पता नहीं कब होगा। ये लो भैया, ये भैया का इंट्रो, भैया अभी आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको भी ब्लॉग में लूँगा। भैया हमेशा भागते हैं मेरे से, हमेशा भागते हैं, उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट इनको बताना था नहीं बता, अभी बोल रहे हैं मैं भाग रहा हूँ बोलते हैं, बताओ इतने अच्छे लग रहे हैं और क्या शेरवानी पहन के आते हैं क्या आप हैं। चलो कुछ बिजनेस की बातें कर लेते हैं, ये बड़ा बिजनेस वाले भैया हैं, कुछ डिटेल में बात करेंगे हम लोग। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाँ मैं तो ये बोलना भूल ही गया था, वेलकम बैक टू द माय चैनल एंड अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बट ना क्या होता है ना, मोबाइल निकालो तो कभी भी मतलब समझ रहे हो ना कि इतना इजी रहता है, बट कैमरा में क्वालिटी होती है, ठीक है, नो डाउट कैमरा में एक हाई लेवल की 4K क्वालिटी आती है। चलो सब बातें बाद में करते हैं एंड पता है मैं आज कैमरे के सामने मतलब इतना उत्सुक हो रहा हूँ आने के, मतलब क्या बताऊँ, पता है मतलब मैं कल ब्लॉग नहीं डाला तो पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल, मतलब कैमरे के सामने हूँ भी नहीं, कल भी शूट ज़्यादा नहीं किया। सो बस यार फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग यार, ओनली 37 सब्सक्राइबर, व्हाट इज दिस यार। यार अगर मिनिमम व्यूज भी अगर कोई जाए तो शायद मैंने लास्ट देखा था आई डोंट थिंक 47-45 ऐसा कुछ था, मतलब देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो फ्रेंड्स बाहर जो खड़े हैं वो खड़े नहीं वो अड़े हैं एंड उनका नाम है संजय भैया, जो भी साईं भक्त है साईं मंडली वो तो पहचानते ही होंगे हमारे साईं भैया को, हम लोग के साईं बाबा मंदिर में भजन का जो भी है अरेंजमेंट वही देखते हैं। सोचा मैं कैमरा ऑन कर लूँ, देखना अभी उनका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। जब वो आते हैं मैं कैमरा ऐसे ही खड़े हो ऐसे पकड़ा हूँ, ठीक है, तो फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, पता नहीं किसे अभी अंदर एंट्री हो रहे हैं, तो उनका रिएक्शन देखने बनता है। ये है संजय भैया, संजय भैया ओम साई राम, संजय भैया आप मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, ठीक है, मेरी ऑडियंस आपको देख रही है, पर्दा मत करो, देखो पर्दा से अपना चेहरा छुप रहा है, छुपा क्यों रहे हो यार, कोविड गाइडलाइंस मास्क पहनिए, रुमाल पहन के कौन सा कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो संजय भैया से हम बात कर लेते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ बात। हेलो हेलो चक्कर लगा हरे 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 ह
आए थे। अभी जो आपने देखा यहाँ अष्टपैरी चल रही थी, तो अभी हम लोग भोग खाने जा रहे हैं। तो जो भी था आपको दिखाया मैंने, जस्ट सडन प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ का भोग बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट होता है दाल चावल एंड टमाटर की चटनी, मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर उड़ीसा मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लगता है खाना। तो अभी जस्ट मैं तो भोग खा के आया, पापा खा रहे हैं, देन पापा आते हैं तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे अपने लॉकअप पे, मैं जाऊँगा फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अब पापा को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पापा को पता नहीं कितना टाइम लगा, तब तक टाइम का मतलब यूज़ किया जाए तो वॉक लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मतलब कुछ दिन अभी पता नहीं। मैं हालांकि जेलर हूँ, मेरे लॉकअप का, बट आज कुछ ऐसा सीन है क्या, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मतलब 10 बजे तक बोले हैं एंट्री है, वरना फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर मैं पता नहीं कहाँ अपने ऑफिस में सोना पड़ेगा। तो जैसे आते हैं मेरे पापा, तब तो वॉक करता हूँ। जी ठीक है, देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। सो लास्ट आपने जो देखा था, हाँ मैंने बताया वो अष्टपैरी होती, नाम यज्ञ होता है, मतलब एग्जैक्टली बोले तो अपने को नहीं पता, बट एक भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, मतलब वो पूरे अभी रात दिन सुबह सुबह पूरा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ये क्या रहता है ना, 3-3 घंटे का एक टीम रहती है गाँव की, तो हरे कृष्ण हरे राम की ध्वनि जो होती है वो पूरा 3-3 घंटे तक कंटिन्यू चेंज मतलब करते रहते ध्वनि। जैसे एक टीम का 3 घंटे में ख़त्म हुआ, फिर दूसरी टीम उसी टाइम उसी ध्वनि को वहीं से पकड़ेगी। तो ऐसे नाम यज्ञ, नाम कीर्तन, जो भी आप बोल सकते हो, जो भी उड़ीसा के वाले हैं तो वो तो सब जानते ही। सो अभी मैं जस्ट कपड़े वपड़े प्रेस तो नहीं, हाथ से ही कुछ भी कर लिया वो प्रेस टैग का। सो अभी मैं अपने लॉकअप में हूँ। कल व्लॉग नहीं आया, आज व्लॉग नहीं आया, आज 2 दिन व्लॉग नहीं आया, कल मैं दिन में व्लॉग डालूंगा। सो होप यू गाइस कीप सपोर्टिंग मी, एंड थोड़ा 2 दिन गैप हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरे को खुद को लग रहा है, बट क्या करूँ यार, अभी माना लॉकअप मेरा, बट मेरे लॉकअप के ऊपर भी कोई है मेरा जिनका हुक्म मानना पड़ता है। सो बस वही है, अभी जस्ट हाथ मुँह धो के अभी लॉकअप सीजन, लॉकअप का वो शो देख रहा हूँ मैं, तो जस्ट मैं बदलता हूँ आपको बाद में अगले ब्लॉग में, कल दिन में ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है। एंड कल मैं 2 ब्लॉग अपलोड करूँगा। सो हाँ, तो कृपया आप अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, एंड स्प्रेड द लव एंड हैप्पीनेस। चलो बाय।